नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। एक सबसे बड़ा सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं आजकल वो ये है कि आपकी टेक न्यूज का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर टेक न्यूज। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी उसके बारे में बताया और अभी भी बताता हूं कि सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास पैशन है, अगर आपको शौक है और अगर आप कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं भी वैसे कर रहा हूँ, मैं लगभग बहुत सालों से आपको टेक न्यूज़ दे रहा हूँ और मेरे टेक न्यूज़ पे लगभग 1300 से ज़्यादा एपिसोड्स हो गए और मैंने यही फॉर्मूला अपनाया हूँ और वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो टेक न्यूज़ मैं आपको देता हूँ उसको गैदर करना, उस पर रिसर्च करना, वो सबसे बड़ा मेरा काम है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मुझे आपको सही खबर देनी होती है और अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट खबर आपको देनी होती है। और दोस्तों, उसके लिए चाहिए आपको एक बहुत ही कमाल का ब्राउजर, जी हाँ, और इसी के थ्रू मैं सारा अपना काम करता हूँ। और मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं सारा काम अपने मोबाइल फ़ोन से ही यहाँ पर करता हूँ। मैं पहले दोस्तों दूसरे ब्राउजर यूज़ करता था, लेकिन आपको याद होगा हमने माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उसके बाद से दोस्तों मैं कंटिन्यूसली उस ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसी ब्राउजर से अब मैं अपने टेक न्यूज़ को ढूंढता हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। और सबसे बड़ा रीज़न, ये जो बहुत बड़ा रीज़न है मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल करने का, वो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। ये जो ब्राउजर दोस्तों जो हाल ही में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, न्यू फीचर्स दिया है, मैंने जब से इसका इस्तेमाल किया हूँ ऑनेस्टली कहता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसका इंटरफेस काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइवेसी की, जिस पर मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आज की तारीख में दोस्तों आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं, हमें डर लगता है कि ये वेबसाइट कैसी होगी, हमारा डेटा ले रही है नहीं ले रही है, हमारे साथ क्या कर रही है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है और ये होनी भी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के इस एज ब्राउजर में आपको सेटिंग्स के अंदर एक फीचर मिलता है, ट्रैकिंग प्रिवेंशन वाला ऑप्शन है। आप जैसे उसमें जाते हैं वहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, बेसिक, बैलेंस्ड और स्ट्रिक्ट। बाय डिफॉल्ट ये बैलेंस पर रहेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो सिचुएशन के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं यूजुअली बैलेंस पर ही रखता हूँ, लेकिन अगर इन केस में कोई ऐसी अननोन वेबसाइट पर चला जाता हूँ जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं स्ट्रिक्ट पर स्विच कर लेता हूँ। अब ये क्या करता है, ये आपको एक प्रिविलेज देता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो आपका डेटा ले, कितना ले या ना ले, जी हाँ, इस तरीके से। और आप यहाँ पर बहुत ही सिक्योर फील करेंगे। और जब भी आप ब्राउज करेंगे तो ऊपर आपको वेबसाइट पर एक लॉक वाला आइकन दिखेगा और ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो अभी सिक्योर है। और जैसे अगर आपने उस पर टैप किया तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जहां पर वो आपको बताता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हमने ब्लॉक्ड करी है। जी हां, तो ये जो ब्राउजर है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, साथ में आपको बताता है कि कौन सी वेबसाइट सिक्योर है नहीं है। और तीसरी चीज, आपको प्रिविलेज देता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है कि वहां से क्या हो रहा था और हमने कितनी चीजें ब्लॉक करी। तो ये सबसे बड़ा मेरा मेन कंसर्न है इस ब्राउजर का इस्तेमाल करने का। दूसरी सबसे अच्छी चीज मुझे इस ब्राउजर की लगी है वो है इन प्राइवेट ब्राउजिंग। और ये आप सेटिंग्स में जाके ऑन करिए ऑप्शन, या फिर अगर आप मल्टीटास्किंग बहुत सारे अगर आपने टैब्स ओपन करके रखे ब्राउजर के तो आप वहां पर टैप करेंगे तो बाजू में आपको एक ऑप्शन मिलता है इन प्राइवेट का। आप जैसे उसमें जाते हैं दोस्तों तो आप जो भी चीज यहां पर करते हैं वो सब कुछ एकदम प्राइवेट रहेगा, आपकी हिस्ट्री, कुकीज, सर्च रिजल्ट, ये वो कुछ भी यहां पर सेफ नहीं रहेगा। आप डायरेक्टली ब्राउज करिए एकदम आसानी से। और साथ में यहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट बिंग का भी ऑप्शन दिया है सर्च के लिए, तो जो इन प्राइवेट सर्च में आपको माइक्रोसॉफ्ट बिंग का सपोर्ट मिलता है। देखिए, जो इन प्राइवेट ब्राउजिंग ये जो फीचर है ये विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, मैक ओएस, आईओएस और एंड्रॉइड में अवेलेबल है, लेकिन जो इन प्राइवेट सर्च है ये आईओएस को छोड़ के दूसरे सारे प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों मेरा जो पर्सनल फेवरेट फीचर है इसके अंदर वो है इसका कलेक्शन फीचर। और ये लिटरली क्या करता है, जहां पर आप अपने जो भी ब्राउजर है, मैं आजकल वही करता हूं, जो भी मैं वेबसाइट पर जाता हूं, जो भी मुझे न्यूज मिलती है और मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है तो मैं इसको सेव करता हूं और उसके एक फोल्डर में यहां पर डाल देता हूं। तो आप ब्राउजर जो होता है, जो वेब पेजेस होते हैं, आप उनको सेव करिए, ऑर्गेनाइज करिए, और ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कैटेगरी वाइज में आपको दिखाता है। अलग अलग फोल्डर्स होते हैं जो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और फोल्डर वाइज आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे ये पर्सनली यहां पर बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक और चीज यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनकेस आपने जो भी चीजें अपने कलेक्शन में सेव रखी है, जो भी आपने मेहनत से फोल्डर वगैरह बनाया है, तो इसमें आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म सिंक वाला फीचर मिलता है।
मिलता है। यानी कि दोस्तों वही सेम चीज अगर आप अपने लैपटॉप में ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज को या दूसरे प्लेटफॉर्म पर ओपन करते हैं टैबलेट वगैरह जहां पर भी, तो वो सारी की सारी चीजें सीधा आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म सिंक वाला फीचर है ना, ये मुझे काफी बढ़िया लगा है। हालांकि मैं इतना रीडिंग में नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा लेजी है, अगर आप कोई भी वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं आपको रीड नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, यहां पर रीड अलाउड वाला आपके लिए एक फीचर उन्होंने अवेलेबल कर दिया है, जहां पर आपको सिर्फ ऑप्शन को ऑन करना है और वो पूरा के पूरा वेब पेज आपके लिए रीड करके दे देगा। जी हां, न्यू गेम्स इन बोथ EA फ्रेंचाइजेस फ्रॉम क्राइटेरियन गेम्स एंड EA डाइस रेस्पेक्टिवली आर ऑन देयर वे। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा लेजी है, आपको रीड नहीं करना है, तो ईयरफोन्स कान में लगा लीजिए, बैठे लीजिए, पूरा के पूरा वेब पेज आपके लिए रीड कर लेगा। उसके अलावा दोस्तों जाते जाते कुछ और चीजों के बारे में आपको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही क्लीन है और काफी ज्यादा फास्ट है। और सामने जा अगर आप होम पेज देखते हो तो आपको वहां पर सर्च का ऑप्शन देता है, जहां पर आप इमेजेस भी सर्च कर सकते हैं। यस, आपको वॉइस सर्च का भी ऑप्शन देता है। उसके अलावा दोस्तों आपको उसमें डार्क मोड वगैरह भी मिल जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों वेब पेज अगर आप देख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट वाला भी आपको फीचर मिलता है, तो वो आपके लिए ट्रांसलेट भी करके दे देगा जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर मिल जाती है। और हां, साथ में आपको प्रोफाइल स्विचिंग वाला भी ऑप्शन मिलता है। फिलहाल के लिए यहां पर देखेंगे तो मेरे पास मेरा पर्सनल अकाउंट चल रहा है, हालांकि मैंने दूसरा अभी कोई अकाउंट यूज नहीं किया, लेकिन अगर इन केस किसी को करना है माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल मेरे फोन के अंदर, तो मैं उसके लिए दूसरा आईडी बना दूंगा और वो उसका इस्तेमाल करेगा, तो उसकी सारी चीजें पर्सनली उसको दिखाई देगी जब वो उसमें लॉग इन होगा, और मेरी सारी चीजें मुझे दिखाई देगी जब मैं लॉग इन होगा। तो इस तरीके से प्रोफाइल स्विचिंग वाले भी आपको फीचर इसमें मिल जाता है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के बारे में बताया कि ये ब्राउजर कैसा है। मैं इसका अभी प्राइमरी ब्राउजर बनाकर इस्तेमाल कर रहा हूं, सारे जो मेरे काम है अब मैं इसी के थ्रू यहां पर कर रहा हूं, जब से लेके अब तक दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस यहां पर काफी अच्छा है और बहुत ही फास्ट है, सेफ है, सिक्योर है, और जो प्रिविलेजेस आपको यहां पर मिलते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको अगर चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूं, वहां से जाके आप डाउनलोड करिए और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको ये ब्राउजर कैसा लगा है। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।